हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी सेसफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर की सब्जी। मैंने 3 गुच्छी पालक लिया है, उसको पानी थोड़ा सा पानी डाल के ब्लांच होने रख दिया है नमक डालने के बाद, और पहले पालक को बहुत अच्छे से साफ किया, धो लिया, तब निकाला, क्योंकि पालक वगैरह में ना जो भी पत्ते की सब्जियां उनमें मिट्टी आती है। तो अब हम इसको एक बार बॉईल कर लेते हैं। जब तक पालक उबल रहा है हम छौंक की तैयारी कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल हमने डाल दिया है। अब हम डालेंगे 10 से 12 ये लहसुन की कलियां। ये देखिए, जब इतना ब्राउन हो जाए ना, यानी कच्चेपन की महक निकल जाए, तो हम इसमें 1.5 इंच के करीब अदरक डालेंगे, 1 हरी मिर्च डाल देंगे और भून लेंगे। साथ में हम डाल देंगे इसके प्याज, जो हमने 3 प्याज लिए ना उनको डाल दिया है, 3 प्याज काट के डाली है। और यकीन मानिए ये सब्जी बहुत बहुत टेस्टी लगती है। लहसुन को पकाने का मतलब ये है कि इसमें ना कच्चेपन की स्मेल थोड़ी सी खत्म हो जाती है, अगर आप पहले लहसुन को पका लेते हैं। और प्याज को थोड़ा मोटा काट सकते हैं, गोल काट सकते हैं, जैसा मर्जी, क्योंकि बाद में हम इसे पीसने वाले हैं। और मैं पालक पनीर की क्वांटिटी ना थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, आप कम ले सकते हैं। ये देखिए, पालक हमारा ब्लांच हो गया है। हमने जिस पानी में उसको धोया था ना, मतलब जैसे पानी जो थोड़ा था पत्तों में वही रहने दिया, और अच्छे से इसका ग्रीन कलर है। अब हम इसको ठंडा होने के बाद पीस लेते हैं। जब प्याज ऐसे पिंक हो जाए तो हम इसमें 1 बड़ा टमाटर डाल देंगे। ये देखिए, टमाटर जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल सारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको ठंडा होने देंगे पूरे मसाले को। ये देखिए, हमने ना ये मसाले को जो भुना था वो इस तरह से पीस लिया है। इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और पालक को पीस लेते हैं। पालक थोड़ा ज़्यादा है इसलिए हम 2 टेबलस्पून इसमें घी डाल रहे हैं। साथ में डालेंगे थोड़ा सा जीरा, 1/2 चम्मच के करीब। ये हमने 1 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची डाल दी है। खड़े मसाले के टेस्ट अलग आता है। 2 लौंग भी डाल दी है और ऊपर से हम डाल रहे हैं ये पिसा हुआ टमाटर प्याज का पेस्ट। और मिक्सी को धोकर भी जो पानी था ना हमने उसको डाल दिया है, ज़रा भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम। ये देखिए, और इसको अच्छे से भून लेंगे अब, तो इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आने वाला है। देखिए, भुनना शुरू हो गया है। अब हम डाल रहे हैं इसमें धनिया पाउडर 2 चम्मच, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। इसमें डालेंगे हम किचन किंग 1 चम्मच। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अगर आप रेड चिली खाते हैं तो रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। मैं चिली कोई भी नहीं डाल रही हूँ, हरी चिली भी नहीं डाल रही हूँ। स्वाद के अनुसार नमक। हरी चिली ना मैंने जब मसाला भुना था तब 1 डाल दी थी, आप चाहें तो काट के बाद में डाल सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। मिक्स करते हैं और मसाला लगभग भुनने वाला है, घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें ये पीसा हुआ पालक। देखिए कितना अच्छा ये मसाला भुन गया है, पहले भी भुना हुआ था, तो अच्छे से भून लें इसको, ज़रूर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ में हमने दाल चढ़ाई हुई है तो उसके कुकर की विसल की आवाज़ आ रही है। पालक को और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कितना अच्छा कलर है देखिए, कलर बिल्कुल ऐसे कैसे ही ग्रीन है, क्योंकि हमने इसको ना ढका नहीं, प्रेशर कुक नहीं किया। अब हम इसमें ना 1 कप के करीब दूध डाल देंगे, यानी ग्रेवी जो है वो दूध से बन रही है, तो है ना एक अलग तरीका बनाने का। ये देखिए, इसको मिक्स करते हैं, बॉयल होने देते हैं। बॉईल होना शुरू हो गया, और ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें आपको छींटे ना लगें तो ढककर पकाएं। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर, मिक्स करेंगे इसको। अब हम इसको ना ढककर 5 से 7 मिनट पकाएंगे धीमी गैस पे। और ये देखिए, 5 मिनट के पकने के बाद हमने पालक पनीर को डिश आउट कर लिया है, उस पर थोड़ा सा बटर डाल दिया है, और यकीन मानिए इतना टेस्टी है। खड़े मसाले इसके हमने निकाल दिए हैं ताकि वो मुंह में ना आए बनने के बाद, और उनका फ्लेवर इसमें अच्छे से आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।